नमस्कार, मैं अजय और चर्चा वही 2019 के विधानसभा चुनाव की जो 11 महीने पहले पार्टी बनी और कहीं ना कहीं अब की बार हरियाणा के 2019 के विधानसभा चुनाव के अंदर अपना डिप्टी सीएम भी बने दुष्यंत चौटाला। तो मैं डॉक्टर साहब से जो कैंडिडेट भी वहाँ थे, जे जी पार्टी के कैंडिडेट थे, उनसे पूछने की कोशिश करूँगा, सर आप अपनी हार की समीक्षा आज कहाँ करते हैं? ये लोगों का मैंडेट था, फिर भी चुनाव बेशक मैं हारा हूँ, पर मैंने 33,820 लोगों का दिल जीता है। जिस प्रकार से लोगों ने आगे बढ़ के मुझे अपनाया, मेरे को अपना समर्थन दिया, मैं उनका आभारी हूँ और आभारी रहूँगा। और चुनाव में बहुत से फैक्टर होते हैं, कई बार लोग शायद भूल जाते हैं कि हमें योग्यता को भी एक पैमाना बनाना चाहिए, ये भूल जाते हैं कि परफॉर्मेंस को भी एक पैमाना बनाना चाहिए, वो लोग ये भूल जाते हैं कि कौन आगे जाके कितना अच्छा काम कर सकता है, वो भूल जाते हैं, फिर ठगे से महसूस करते हैं, फिर यूं कहते रहते हैं कुछ नहीं हुआ, ये कर नहीं रहा, वो नहीं कर रहा। तो कोई बात नहीं, बहुत से फैक्टर होते हैं, कुछ जातीय समीकरण भी ऐसे होते हैं कि बहुत से लोग वैसे तो जातिवाद में इतना ज़्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी मुझे इस चुनाव में विचित्र चीज़ देखने को लगी कि उनकी जाति का भी जो कैंडिडेट था उसको वोट ना दे के कहीं डॉक्टर भारद्वाज ना बन जाए दूसरे को वोट। इस बात सर, आज आप डिप्टी सीएम से पद पर कितने खुश हुए और अपने हार को आप कहाँ देखते हैं? मैं अपनी हार को नेचुरली थोड़ा सा लगता तो है, थोड़ी दुख की बात तो है, थोड़ी सी नेगेटिविटी तो है कि मैंने इतना अच्छा काम किया, 40 सालों से मैं लोगों की सेवा में हूँ, 5 साल मुझे जो कार्यकाल मिला उसमें मैंने अपना काम लोगों को करके दिखाया, 2 रेलवे के ओवर ब्रिज 22 करोड़ से 44 करोड़ से मैंने बनवाया, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन बनवाया, लड़कियों का सरकारी कॉलेज यहाँ पे नहीं था, बीएड 40 साल से चल रही थी यहाँ पे, बीएड का कॉलेज का भवन नहीं था, मैं और प्रेम गुप्ता जी एक समारोह में गए, वहाँ मेरे पे मांग रखी गई, मैंने वो सुंदर बीएड कॉलेज बनवाया, इस शहर की सबसे बड़ी समस्या जल भराव की थी उस पे मैंने काम किया, और भिवानी घग्गर ड्रेन बनवाई, 29 करोड़ से ड्रेन बनी, 5 करोड़ से उसकी लाइनिंग हुई, 34 करोड़ उस पर खर्च हुआ, कैप्टन अजय यादव जी को बुला के मैंने उसका उद्घाटन कराया, और बहुत सी चीज़ें थी जो मैं नहीं कर पाया, और इस बार मुझे लगता था कि शायद मैं जीत जाऊंगा, और मेरी इच्छा थी कि जो सपने मैंने मेरे शहर के लिए बुने थे वो मैं पूरे कर पाऊंगा। तो कोई बात नहीं है, मैंने जैसे पहले भी कहा, बेशक मैं चुनाव हारा हूं, लेकिन 33,820 लोगों ने मुझे वोट दिया है, मैं उनका बहुत बहुत दिल से आभारी। तो सर, जो आपके डिप्टी सीएम बने हरियाणा के अंदर, तो क्या उनके थ्रू आपके अब काम होंगे भी जनता के? मुझे आशा है होंगे। मैं इस फैसले का, दुष्यंत के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। देखो, ये जितनी भी पार्टियाँ हैं उन सब पार्टियों का उद्देश्य तो एक ही है कि हमें अपने हरियाणा को आगे लेके जाना है, हमारे लोगों के तकलीफ़ें दूर हों। हमारा जो किसान है, अब ये फैसला आया है कि धान का दाना दाना खरीदा जाएगा, मैं ये भी दुष्यंत को भी कहूँगा और मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को भी कहूँगा, जो कॉलेज में मेरे से एक साल जूनियर थे, और मुझे लगता है कि शायद मेरी बात पे वो गौर करते हैं, उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आज बाजरा बेचने के लिए किसान मंडियों में परेशान हो रहा है। मैं मंडी में गया, किसी के पास 5 क्विंटल था तो केवल 2.5 क्विंटल खरीद रहे हैं, 10 दिन से कपास पड़ी थी मंडी में, सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई थी। किसान की एक बार फसल मंडी के गेट के अंदर होती है तो अधिकारियों की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि बिना किसान को परेशानी हुए उस फसल को खरीदा जाए और सही समय पे उनका भुगतान किया जाए। लेकिन सर, भाजपा की नीति की बात की जाए तो आपने भी अपने भाषणों के अंदर जो रैलियाँ की चुनाव के दौरान, उन पर आपने कहीं ना कहीं कटाक्ष किया था, लेकिन सर अब ऐसा क्या बना कि डिप्टी सीएम बनने को मजबूर हुआ दूसरे? देखो, राजनीतिक स्थिरता के लिए कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इग्नोर भी करनी पड़ती हैं, और मैं दुष्यंत को ये शाबाशी भी दूंगा कि
जो थोड़े बहुत मतभेद होते हैं, मनभेद तो कभी किसी में नहीं, चाहे कोई भी पार्टी हो, सब पार्टियों का काम हरियाणा के लोगों का काम करना है, उनको आगे लेके जाना है, लोगों की तकलीफ़ दूर करनी है। कुछ फैसले ऐसे ले लिए गए हैं कि जब 50 किलोमीटर के अंदर अंदर ये एच टेस्ट होएगा, तो ये हमारे संकल्प पत्र में ये बातें थी, किसान की बात संकल्प पत्र में थी, कर्मचारियों की बातें भी इसी तरह, हम पुरानी पेंशन नीति लागू करना चाहते हैं और व्यापारियों की भी हम समस्याएँ कम करना चाहते हैं, हम हर वर्ग का भला करना चाहते हैं यही। और बुढ़ापा पेंशन भी 5100 थी, देखते हैं अब यह है कि मिनिमम कॉमन प्रोग्राम हमें लेके चलना पड़ेगा। हम थोप भी नहीं सकते सारी बातें बीजेपी के ऊपर। अब बीजेपी का और जेजेपी का जो साझा कार्यक्रम है वो ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जिस पे दोनों दल सहमत हों। सर, आपकी नज़र से आपकी कंपेयर में कहाँ कमी दिखी? क्योंकि आपके शहर में भी अच्छा रुझान था, आपके गांव में भी 31 गांव का दौरा भी अच्छा था और आपके गांव का दौरा रुझान भी अच्छा लगे, लेकिन सर आपको अपनी नज़र से कहाँ कमी लगी? सच्चाइयाँ कई बार ऐसी होती हैं जो मैं ना बोलूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। धन बल का प्रयोग भी चुनाव में हो जाता है, चुनाव में जातिवाद का भी षड्यंत्र हो जाता है। योग्यता को मैंने जैसे पहले बताया, योग्यता को लोग भूल बैठते हैं, परफॉर्मेंस को लोग भूल बैठते हैं और सिर्फ यही एक हवा बना देते हैं, अरे अरे तुमने इसको वोट दे दिया तो भारद्वाज बन जाएगा, ये अरे भारद्वाज बन जाएगा तो इस शहर की भलाई के लिए बनेगा, इस हलके की भलाई के लिए बनेगा, इस प्रदेश की भलाई के लिए बनेगा, वो ये चीज़ भूल जाते हैं। सर, ब्राह्मण नगरी रही छोटी काशी, लेकिन सर एक ब्राह्मण पुत्र फिर भी हार जा। हाँ, कोई बात नहीं है, ऐसा है कि किस आम तौर पे तो देखो सभी ब्राह्मणों के वोट तो एक कैंडिडेट को नहीं आ सकते, फिर भी ब्राह्मणों ने मुझे अच्छा वोट दिया है, कुछ लोगों ने नहीं दिया, उनकी कुछ मजबूरियां भी होंगी, कुछ मेरे से नाराज़गी भी हो सकती हैं, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी किसी को, मैंने भी कुछ गलती की होंगी, उससे हो सकता है वो कुछ नाराज हों, लेकिन आप जनता की सेवा में तो हर सच में रहते हैं सेवा। हाँ नहीं, मैं तो जनता की सेवा में। नाराजगी कैसी वो हैं? नाराजगी कैसी वो? नाराज़गी किसी, मुझे नहीं लगता कि नाराज़गी कोई इस तरह की नाराज़गी होगी, कोई वोट को लेकर नाराज़गी उनकी पता नहीं किस वजह से होगी या क्या बात होगी, कोई ये तो सवाल आप जनता से पूछेंगे, उनसे पूछेंगे जिन्होंने वोट देना था, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो कोशिश हमेशा यही करता हूँ, मैं किसी को नाराज़ ना करूँ, सबको खुश रखूँ, सबकी इज्जत करूँ और जन जन का काम करूँ और जन जन का सम्मान करूँ। सर, आपका आगे का प्लान क्या? आगे का प्लान, मैं बैक टू स्क्वायर वन, अपनी प्रैक्टिस इस माध्यम से भी मैं जनसेवा कर रहा हूं और मेरा जो एजेंडा है मैं कोशिश करूंगा, दुष्यंत के माध्यम से मेरी वो बातें और मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी वो बातें मेरी हैं, वो सबके लिए अच्छी हैं, वो प्रदेश के लिए अच्छी हैं, वो भिवानी हलके के लिए अच्छी हैं, वो जिला भिवानी के लिए अच्छी हैं। मैं अपनी बातों को मैं कोशिश करूंगा कि मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इनके ऊपर रखूँ, मेरा थोड़ा सा अधिकार भी है दुष्यंत के ऊपर, तो उसका भी प्रयोग करके मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो मेरा विजन हमारे हलके के लिए, ज़िले के लिए और प्रदेश के लिए है, उसमें से कुछ बातें बनवा सकूं। सर, अब लास्ट सवाल, आपके मन की बात आपके हलके के लिए दिल से? दिल से तो बात यही है कि मैं अब मैंने हर चुनौती को हमेशा स्वीकार किया है, इसको भी एक चुनौती की तरह से स्वीकार कर रहा हूं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जेजेपी जब तक सत्ता में है हम बहुत काम करेंगे। तो सर आप आगे ऐसे ही चुनाव लड़ते रहेंगे और ऐसी भिवानी सेवा करेंगे, क्या आपको लगता है कि आप आगे सेवा करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, ये तो हमने, हमारा संसार अब भिवानी है, हमारी दुनिया जो है वो सब भिवानी है। 40 साल से मैं यहाँ पे हूँ, मैं खूब सारी दुनिया में घूमा हूँ, मैं चंडीगढ़ में घुमा हूँ, दिल्ली मेरी स्कूलिंग हुई, अमेरिका, यूके, हर जगह हमने घूम फिर के, वो एक कहावत है ना जैसे घाट घाट का पानी पिया, घाट घाट का पानी भी किया कि वो लंदन पेरिस घूम के देखा, दिल भर एक से एक, दिल वालों की दिल्ली में मेरे दिल को लगी ब्रेक, तो भिवानी की इस नगरी में मेरे दिल को ब्रेक लगी हुई है, हमारे लिए यही हमारी कर्मस्थली है
और भगवान ने हमारी ड्यूटी यहाँ पे लगाई है और उस ड्यूटी को हम पूरा करने के लिए अंतिम सांस तक कोशिश करते रहें। तो सर अब आपके डिप्टी सी एम भी बन चुके हैं, आप कहीं ना कहीं आप सरकार के अंदर भागीदारी निभा रहे, तो सर अब आप भिवानी शहर के लिए क्या प्लान तैयार करेंगे जो आपके हल्के के लिए सख्त जरूरत होगी, क्योंकि आपके वर्तमान के विधायक जो थे वो बन चुके, लेकिन सर उनसे हटकर आप प्लान क्या बनाएंगे जो आपको डिप्टी सीएम को ऊपर तक सरकार तक पहुंचाएंगे? उनसे भी मेरी बात हुई, वो जो वर्तमान विधायक बन चुके हैं उनका भी हम सहयोग करेंगे, उनका सहयोग भी लेंगे, और दो मेरे जो प्रायोरिटी पे जो काम थे वो ये थे कि एक तो लड़कियों का स्कूल बनना चाहिए, ऐसे इलाके में बनना चाहिए जो हलवास गेट, पिपली वाली जोड़ी और हनुमान जोड़ी, जहाँ गरीब गुरबत है, जो इलाका थोड़ा सा अविकसित है, ताकि बच्चियों को कुछ राहत मिल सके। अभी स्कूल एक ही स्कूल है लड़कियों का, 3,000 से ज़्यादा बच्चियां हैं, 2 शिफ्ट में स्कूल चलता है, सर्दियों में अब जैसे जैसे सर्दी आएंगी 6 बजे अंधेरा हो जाता है, लड़कियां उस वक्त अपने घर पहुंचती हैं तो माँ बाप का दिल धक धक करता है, ऐसा वातावरण हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि एक तो स्कूल में दुष्यंत जी से बात करूँगा, दिग्विजय से भी बात करूँगा, और एक अंडर पास मैं समझता हूँ कि तुषाम फाटक पर जो पुल मैंने बनवाया था, बहुत से लोगों को जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनको साइकिल पर पुल पार करके आना बहुत मुश्किल है, एक अंडर पास बन जाए। मैं जहाँ भी जाता हूँ अंडरपास देखता हूँ, उनकी फ़ोटो खींच के लाता हूँ, ये सारा प्लान बना के मैं दुष्यंत जी को भी दूंगा और मुख्यमंत्री जी को भी दूंगा, और ये जो रेड़ी वाले लोग हैं उनको भी दिक्कत होती है, जो वृद्ध विकलांग लोग हैं उनको भी दिक्कत होती है। तो मैं चाहूँगा इस पर विस्तृत चर्चा करूँगा दुष्यंत जी से, और JGP पार्टी की तरफ से हम ये प्रस्ताव पहुँचवाएंगे ऊपर तक। तो क्या अब की बार शंकर भारद्वाज MLA न बनकर MLA की काम करेगा 5 साल तक, MLA से ज़्यादा काम करेगा? थैंक यू सर। हमने बात की डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज से और जानने की कोशिश की कि हार का कारण क्या रहा, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं चेताया कि कहीं ना कहीं जाति समीकरण भी बने या ना बने, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सरकार के अंदर भागीदारी हुई, और भागीदारी होने के कारण आज भिवानी की किसी कारण के काम को मैं नहीं बख्शूंगा, जो 5 साल में कमी नहीं पूरी हो पाई वो अब हमारे माध्यम से जो डिप्टी CM बने हमारे उनके माध्यम से हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। जो लड़कियों के स्कूल की कमी हो, चाहे वो अंडर ब्रिज के पास की बात हो, चाहे वो शहर के रोडों की व्यवस्था की बात हो, डॉक्टर साहब अपनी एक कलम से काम करने की ताकत रखते भी हैं और करा के दिखाएंगे, यही डॉक्टर साहब ने कहा इंटरव्यू के अंदर।